हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे आप बहुत ही कम खर्चे में ये जो आपका लाइट का सर्किट देख रहे हो, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये करके है। अगर आप लोकल से देते हो तो आपका प्राइस थोड़ा महंगा हो सकता है। तो इसमें आपका डायरेक्ट आपका न्यूट्रल और फेस लग जाता है, और इसके लिए अलग से आपका कोई रेक्टिफायर और या तो फिर कोई कैपेसिटर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक चीपेस्ट, मतलब कि बहुत ही कम खर्चे में आप एलईडी बल्ब जो है वो बना सकते हो। तो कैसे बना पाओगे, अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है वो भी कैसे होगा, हम दिखा दे रहे हैं। देखो, ये बल्ब हमने इसी से बनाया है, देख सकते हो। इसके जो ऊपर है, हमने ये जो हीटसिंग है, हीटसिंग के ऊपर ही इसको लगा दिया। अगर आपके पास हीटसिंग नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ये वाला हीटसिंग नहीं होता है तो कैसे किया हम उसके डिटेल्स में बताएंगे। और अगर आपके पास इस तरह का होल्डर नहीं है वो भी कैसे कर सकते हो वो दिखाएंगे। या आप स्क्रू भी लगा दे सकते हो, दो होल आपको दोनों साइड में दिख रहे हैं। और इसे और देखो, एलईडी बल्ब को कैसे लगाया जाता है। जैसे हमने इसे लगा दिए, ये आपका एलईडी बल्ब तैयार हो गया। अभी हम इसको पावर देके भी दिखा दे रहे हैं। ये देखो, ये लग गया और ये जल रहा है। ज़्यादा खर्चा नहीं है, सर्किट का प्राइस है आपका 15 रुपये, ओनली 15 रुपीज़। अभी देखो इस सर्किट कैसे काम करता है। ये देखो, एन और एल, मतलब कि यहाँ पे आपका एसी 220 या 230 जो भी बोलते हो, आपका लोकल में जो जितना वोल्टेज वो डायरेक्ट दे सकते हो। इसके पीछे जो है आपका मेटल है, इसके ऊपर अलग से एक हीटसिंग लगा दो तो बहुत ही अच्छा होगा, ज़्यादा टाइम आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बिना हीटसिंग के भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम पावर देंगे अभी। दोस्तों, अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हो तो आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत ही पास पास है आपका न्यूट्रल और फेस, तो इसलिए आपका सोल्डरिंग करने से बहुत ही ध्यान से कीजिएगा ताकि शॉर्ट ना हो। ये देखो, ये लग गया। पीछे आप हीटसिंक दे सकते हो। अभी हम पावर ऑन किए तो ये देखो कैसे जल रहा है, बहुत ही अच्छा ग्लो होता है। और सर्किट भी ज़्यादा आपका प्लेस नहीं लेता, बहुत ही छोटे जगह में भी ये लगा सकते हो। आपका लोकल मार्केट में ये अवेलेबल होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये देखो, ये कैप को कैसे लगाया जाता है, फाइनली हम दिखा दे रहे हैं। इस कैप के बिल्कुल बीच में आपको एक आपका होल करना पड़ेगा, और दूसरा कैप से आपका सामने से ढक आपका लगा देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो सेलोटेप होता है, सेलोटेप से हम लगा देंगे। ये देखो, डायरेक्ट आपका आँख में लग सकता है, इसलिए हमको हमने क्या किया, एक कैप को देके इसे कैप इसके ऊपर रख दिए, ताकि डायरेक्ट जो आपका लाइट का ग्लो होता है वो आँख को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। अभी देखो वाल में कैसे होल करना पड़ेगा, जैसे हमने बताए थे, छोटा सा एक होल कर दो, उसके बाद इसको लगा दो। और इसके लगाने से आपका ये जो दूसरा जो आपका दोनों कैप लेना पड़ेगा, तो दूसरा जो कैप है उसको लगा के आप सेलो टेप से आपका साइड बाय साइड से आप इसको रख दो। ये देखो, पूरी तरह से लग गया। दोस्तों, ये चैनल नया है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हफ्ते में एक दो वीडियो देने के लिए। हम दूसरे काम में फंसे रहते हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आगे के दिन ज़रूर कोशिश करेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हम आप लोगों को बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का काम सिखा सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने शुरू किया है, और ये देखो बहुत ही एक अच्छा चल रहा है। ये बहुत ग्लो भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, लाइट भी बहुत ही अच्छा दे रहा है। अगर हो सके तो पीछे की हीटसिंक दे दो, नहीं दे तो कोई भी बात नहीं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नया वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।